दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यह है श्री कृष्ण सुदामा धाम, जहाँ पर स्वयं ईश्वर लकड़ी तोड़ने आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दामोदर कुंड का निर्माण किया था, जहाँ सुदामा ने छुपकर चने खाए थे, जहाँ कृष्ण और सुदामा की लाई लकड़ियाँ आज भी हरे भरे पेड़ों के रूप में मौजूद है। कहते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा यहाँ पर लकड़ी लेने आए थे। उस समय बहुत बारिश हुई थी और बारिश से बचने के लिए इसी स्थान पर कृष्ण और सुदामा रुके थे। उनकी मित्रता की महक आज भी इस मिट्टी में समाई हुई है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ मूर्ति रूप में विराजित है। ग्राम नारायणा में स्थित श्री कृष्ण सुदामा मंदिर में माह की प्रत्येक पूर्णिमा को अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे ध्वज चढ़ाया जाता है। गाजे बाजे के साथ मंदिर शिखर पर ध्वज चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन सुबह भगवान का विशेष आकर्षक श्रृंगार पगड़ी रहता है। सुबह 10 बजे ढोल धमाकों के साथ ग्राम नारायणा में ध्वज उत्सव का चल समारोह शुरू होता है। आइए उसी समय का दृश्य इस वीडियो में देखते हैं मेरे साथ।
नारायण धाम में अवश्य आए। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती यहाँ आज भी देखने को मिलती है।